तालिबानी लड़ाके हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी तालिबान में शामिल हो गया है। हशमत गनी ने तालिबान को समर्थन करने का ऐलान किया है। हशमत गनी के तालिबान में शामिल होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तालिबान के साथ हशमत गनी के आने से आतंकी संगठन को मजबूती मिलने के आसार हैं। सूत्रों की माने तो हशमत गनी अशरफ गनी का भाई है और वे अफगानिस्तान की राजनीति और कूटनीति को अच्छी तरह से जानता है। इसका फायदा सीधे तौर पर तालिबान को मिलेगा। बताया जाता है कि हशमत गनी पहले से ही तालिबान को समर्थन देने का फैसला कर चुका था और जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, आतंकी संगठन के साथ वो जुड़ गया। हालांकि अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर तालिबान के नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पाई है। बताया जाता है कि मुल्ला ब्रादर को पहले तालिबान राष्ट्रपति बनाना चाहता था, लेकिन आतंकी संगठन के भीतर ही ब्रादर के खिलाफ आवाज उठने पर उसे राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। वहीं आपको बता दें कि अशरफ गनी के अफगानिस्तान छोड़ने के चंद घंटों बाद ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत कर ली थी, जिसके बाद से खबरें सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी यूएई में शरण लिए हुए हैं। 15 अगस्त को अशरफ गनी अपने परिवार के साथ चार्टर्ड विमान से देश छोड़कर भाग गए थे। फिलहाल अशरफ गनी संयुक्त अरब अमीरात में शरण लिए हुए हैं। सूत्रों की माने तो अशरफ गनी ने सबसे पहले अमेरिका में शरण मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया।